हेलो भाई, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है सौरभ जिम ब्लॉग में। तो भाई, आज हम आपको ट्रेंड कराएंगे शोल्डर की एक्सरसाइज, जिसको भाई हम अपना कंधाई बोलते हैं। ठीक है, इसकी आज आपको हम पांच एक्सरसाइज बताएंगे, और ये एक्सरसाइज रहेगी तुम्हारी सैटरडे के लिए। और आपको अब क्या करना है, जैसे हमने आपको आज लास्ट एक्सरसाइज है वीक की, तो हमने मंडे को बताई थी, वो आपको 4 मंडे लेनी है। जो ट्यूसडे बताई थी वो तुम्हें 4 ट्यूसडे लेनी है। ऐसी जो आपको हमने वीक में जितनी एक्सरसाइज बताई ना, वो चार चार उसको लेनी है। जैसे मंडे को 4 मंडे, वेनसडे 4 वेनसडे, थर्सडे 4 थर्सडे, फ्राइडे 4 फ्राइडे, ऐसे करना है। सो ही आपका पूरा मंथ हो जाएगा। उसके बाद दूसरा शेड्यूल आगे 1 मंथ के बाद बताएंगे हम आपको। आज ये लास्ट एक्सरसाइज है। अब हम वीडियो नहीं आएगी, लेकिन हम एक्सरसाइज डेली चलेंगी हमारी 1 मंथ। आप भी ये एक्सरसाइज करना, उसके बाद रिजल्ट देखना। और जो भी भाई हमें एक्सरसाइज को फॉलो कर रहा हो, वो मुझे टैग वगैरह कर देना, 1 मंथ बाद दिखा देना क्या रिजल्ट है। और अब भी डाल देना एक वीडियो मेरे पास, और उसमें भी दिखाना क्या रिजल्ट आया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई, पहली एक्सरसाइज है हमारी ईंटों से। आपको बताते हैं आपको क्या करना है। दो ईंटें लेनी है। जितनी भी एक्सरसाइज बताएंगे मैंने भाई, ज़्यादातर आपको सभी एक्सरसाइज ईंटों से ही हो जाती है, ईंटों से ही बताएंगे। तो पहली एक्सरसाइज है, आपको क्या करना है, दो ईंट लेनी है और प्रॉपर ऐसे खड़े हो जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये भाई साइड रेस होती है। सो हम जो जिम में एक्सरसाइज करते हैं उसे साइड रेस बोलते हैं, जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, ये ऐसे, ये जैसे ये ऊपर जा रहे हैं ना, ऊपर बिल्कुल लेवल पर रहनी चाहिए शोल्डर की पर। अब इसके बाद नीचे आ रहे हैं ना, ये जो आप शोल्डर देख रहे हो निकले हुए, ये आपको निकालने हैं ऐसे। ये आपको ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है, हिलना नहीं है, ये ऐसे, और पूरा ऊपर तक ऐसे। आपको इसके 20 रैप लेने पहले सेट के, और 5 सेट लेने आपको उसमें 20, 18, 15 और 12 और 10 ऐसे रैप निकालने। अच्छे से मूवमेंट करना है, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे स्लोली स्लोली। बढ़िया होगी एक्सरसाइज एकदम। अभी हम इसका सेट खत्म करते हैं, उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज बताएंगे। सेकंड एक्सरसाइज भी भाई अपनी ईंटों से ही है। आपको क्या करना है, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट खड़े हो जाना है। अब आपको एक दो, एक दो, आपको क्या करना है, ये ईंट है ना, ऐसे टच नहीं करनी है या ऐसे पीछे नहीं लेके जानी है, आपको यहाँ रखनी है ये ऐसे। ये एक दो, एक दो, ऐसे एक, जल्दी जल्दी भी नहीं करना है आपको, ऐसे ये भी नहीं करना, आराम से ये थोड़ा सा होल्ड करके ऊपर 1 सेकंड 2 सेकंड ऐसे। आपको इसके लेने सिंगल एंड से 15 रेप, सिंगल एंड से 15 रेप, मतलब 15 दोनों से मिलाओगे तो 30 हो रहे हैं, वैसे टोटल 15 ही हो रहे हैं, हो रहे हैं। तो आपके इसके 4 सेट लेने और रेप 15, 12, 10 और 8 निकालने हैं ऐसे। ठीक है, 4 सेट के, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको दूसरा सेट बताते हैं। एक्सरसाइज है भाई हमारी, वो भी ईंटों से। आपको क्या करना है, ये भाई इसका नाम है शोल्डर प्रेस। ईंटों से आपको क्या करना है, ये ऐसे लेनी है, ये ऐसे ऊपर, नीचे ऐसे आनी चाहिए, ऊपर ऐसे, ये आराम से ऐसे ऊपर, ऐसे ऊपर, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर ऐसे। आपको ऐसे 10 रैप निकालने हैं इसके, उसके बाद आपको प्रॉपर ऐसे हैंड कर लेने, इसके बाद ये इसके भी आपको 10 रैप निकालने हैं। 2 बार लेनी है, एक ही सेट होगा वो, जैसे आप 2 बार लोगे वो एक ही सेट माना जाएगा, 10 रैप 10 रैप वो एक सेट होगा। इसके 4 सेट लेने हैं आपको, ठीक है, समझ आ गया होगा, 10 रैप 10 रैप दोनों अलग अलग लेने हैं, उसके बाद वो एक सेट होगा। तो भाई अपना चौथा सेट है, वो भी ईंटों से ही है। आप सोच रहे होंगे सब सेट भाई ईंटों से बता देता है, वो ईंटों से भाई इसलिए बताता हूँ क्योंकि हर किसी के पास भाई डंबल वगैरह नहीं होते हैं, और भाई जिस किसी के भी पास डंबल ना हो भाई, वो डंबल बनाना स्टार्ट कर दे। जो नेक्स्ट वीक आएगा, नेक्स्ट मंथ आएगा, उसमें हम भाई डंबल से भी एक्सरसाइज बताएंगे, जो सीमेंट वाले डंबल हैं उनसे भी बताएंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ आप डंबल बनाना स्टार्ट कर दो, थोड़ा सा सीमेंट ले आओ, गिट्टी ले आओ, उससे आप बनाना स्टार्ट कर दो। अब आपको क्या करना है, ये दोनों ऐसे टच करनी है आपस में। अब इसके बाद थोड़ा ये क्लोज पकड़ लेनी है ऐसे, ये। अब आप इसके बाद आपको क्या करना है, ये थोड़ा ये बिल्कुल सटीकी भी नहीं होनी चाहिए बॉडी के, और थोड़ा दूर भी नहीं होनी चाहिए, ये बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अब ये इसके बाद ये एक
दो, एक दो, ऐसे एक दो, ये आपको इसको क्या करना है, 15 रेप निकालने हैं एक बार में, 4 सेट लेने हैं आपको, 15, 12 और 10 और 8, ऐसे रेप निकालने हैं आपको, अच्छे शोल्डर निकल के आएंगे, और जो भी भाई शोल्डर की पोजिंग नहीं आती होगी उसे हम सिखा देंगे, हमें कमेंट करें। तो 5वां सेट है भाई अपना, वो भी ईंटों से ही है। अब आपको क्या करना है, जैसे बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाना है, अब स्ट्रेट खड़े होने के बाद ये ऊपर खींचने शोल्डर ऐसे, फिर नीचे ये ऊपर ऐसे, ये आपको क्या करना है, ये ना ऐसे नहीं करनी है, ये नहीं कौनी ऐसे नहीं करनी है, ऐसे कहीं करो, आपको क्या है बिल्कुल सीधे खड़े हो गए ये ऊपर तक, जितना ऊपर आपसे जा सके उतना ये ऊपर हो, 1-2 सेकंड होल्ड, फिर नीचे होल्ड, नीचे होल्ड, नीचे ये होल्ड, नीचे होल्ड, नीचे ये ऐसे, आपको ये 20 बार करना है ऐसे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन 20 बार करना है, ठीक है। और इसके 5 सेट ले लें आपको प्रॉपर अच्छे से, और आपको सेट अच्छे लगे हो तो हमें कमेंट में बताना कैसी एक्सरसाइज लगी है हमें तुम्हें हमारी, तो आगे भी आपको ऐसे इससे अच्छी, अब जो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा ना उसमें हम आपको डबल एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे, तो अभी आप सिंगल एक्सरसाइज करो, क्योंकि भाई इसमें कुछ भाई बिगनर होंगे अपने, नए होंगे वो भी एक्सरसाइज कर रहे होंगे, तो उस वजह से भाई हमने एक ही सेट चलाया था, अब नेक्स्ट मंथ हम इसमें दो दो सेट चलाएंगे, और एक्सरसाइज और रैप भी वही रहेंगे और सेट भी वही रहेंगे, 5-5 10 एक्सरसाइज हो जाएगा, रहेंगी फट जाएगी एकदम बॉडी आपकी।